बुधवार को स्थानीय भीम स्टेडियम में पायका खेलकूद प्रतियोगिता का आगाज किया गया। दो दिन तक चलने वाली इस प्रतियोगिता में करीबन 10 तरह के खेलों में खिलाड़ी अपनी खेल प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे। इस जिला स्तरीय प्रतियोगिता में जिले के 10 खंडों के खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। प्रतियोगिता के शुभारंभ के अवसर पर काफी संख्या में लोग वहां खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करने के लिए मौजूद थे। जिला खेल अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि इस प्रतियोगिता के विजेता खिलाड़ियों को राज्य स्तरीय खेल प्रतियोगिता में भाग लेने का मौका दिया जाएगा। ये जिला स्तरीय पाइका प्रतियोगिता शुरू हुई है, इसमें 10 गेम करवाए जाएंगे और सभी ब्लॉकों की टीमें इसमें भाग लेंगी। ये बॉयज और गर्ल्स दोनों अंडर 16 एज ग्रुप में कंपटीशन होगा ये, और पिछले 3 साल से लगातार भिवानी हरियाणा में चैंपियन है और पिछले 2 साल से हरियाणा इंडिया में ओवरऑल चैंपियन है। तो ये बहुत ही टैलेंटेड बच्चे हमारे, और जो आने वाला भविष्य है देश का खेलों का वो बच्चे हैं हमारे। और पाइका अंडर 16 की ब्लॉक लेवल से शुरू करते हैं हम। ब्लॉक लेवल पर कंपटीशन होता है पहले, उसके बाद जिला स्तर पर, उसके बाद राज्य स्तर पर होगा और फिर राष्ट्रीय स्तर पर। तो ये प्रतियोगिता का एक चैनल है, सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है, बहुत ही अच्छी स्कीम है। जैसे हमारी स्पैट की स्कीम है वैसे ही ये सेंट्रल गवर्नमेंट की बहुत ही बढ़िया स्कीम है, क्योंकि जो रिमोट एरिया के बच्चे हैं हमारे गाँव के, जिनको चांस कम मिलते थे, उन बच्चों को स्पैट से और इस पाइका से बहुत प्रोत्साहन मिला है।